हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहां स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो गाइस, इस एक्सरसाइज में देखो क्या करना है। आपको कुछ इक्वेशंस दी होंगी, उनको आपने सिंपलीफाई करना है, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में बनाना है और देन उसके बाद आपने अपना मेथड लगा के वेरिएबल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1/2x 1/3y इक्वल टू 1/3x 1/2y इक्वल 13/6। क्योंकि क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। सॉल्व कर, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बोली हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब पहले इसको आपने रिड्यूस करना है, रिड्यूस का मतलब थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, देन उसके बाद आपने अपना मेथड लगाना है। तो देखो आप यहां पे क्या होगा, ये 1/x है, यहां पे भी 1/x है, ये 1/y है, 1/y, ये 1/y इस तरह से गिवन है, ये भी देखो 1/y गिवन है। बात समझ आ रही है कि ये 1/2x लिखा हुआ है। एक एग्जांपल दे देता हूं, 1/2x आप इस पे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/2 × 1/x लिख सकते हो ना, वैसे तो 1/2x ही, ठीक है। तो वही मैं यहां पे दिखा रहा हूं, 1/x 1/y 1/y 1/x। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 1/x को हम लेट कर लेते हैं u और 1/y को लेट कर लेते हैं v। 1/x को हमने लेट कर लिया u, ठीक है, तो ये क्या बन गया u इंटू 1, u बाई 2 बन गया। तो इसी तरह से यहां पे बन गया आपका u बाई 2 v बाई 3 इक्वल टू, बात समझ आई। इसका एलसीएम ले लो, 3u 2v 6 टू द क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन बना दिया हमारे पास, क्लियर। इसी तरह से यहां पे 1/x को u मान लिया तो क्या बन गया u/3, 1/y को v मान लिया तो क्या बन गया v/2, 13/6, एलसीएम ले लेते हैं 6 आ गया तो बचा क्या 2u + 3v = 13/6, 6 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, 6 डिनोमिनेटर में का कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया इस तरह से इक्वेशन 2, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि पहले तो कोफिशिएंट आपके सेम होने चाहिए, यहां पे 3 है यहां पे 2 है, बात समझ आ रही है, यहां पे चाहे 3 यहां पे क्या है 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 ये वाली है ना, इसे 2 से इनटू कर देंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या मिल गया मेरे को 6u 4v और 12 × 2 = 24, क्लियर। इसी तरह से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इक्वेशन 2 ये वाली है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिला आपको 3 × 6 3 × 9 और ये आ गया आपका 39, क्लियर। माइनस माइनस माइनस, 6 माइनस का 6 प्लस का कैंसिल हो गया, 4 + 9 - 5 भी माइनस का आएगा, 39 - 24 + - 15 आएगा, तो भी आ गया आपका -15/-5, माइनस माइनस किया 5 × 15, वी की वैल्यू आ गई 3, क्लियर। वी की वैल्यू 3 निकालने के बाद वी इक्वल 3 पुट कर देते हैं इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, वी इक्वल 3 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखो आपकी क्या थी, 3u + 2v = 12, तो यहां पे ले लेते हैं 3u + 2v = 12, क्लियर है ना। तो यहां पे हमने वी की वैल्यू निकाल ली है, तो वी की जगह रख दिया मैंने 3, कितना हो गया 6, 12 - 6 3u = 6, तो 3 मल्टीप्लाई का यहां पे आके डिवाइड में आ गया, तो u की वैल्यू आ गई आपकी 2, क्लियर। लेकिन वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, x और y की, तो वापस आपको यहीं पे आना पड़ेगा, 1/x आपका क्या था u, तो u आ गया आपका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x = 1, x = 1/2। इसी तरह से 1/y क्या है v, तो v आपका कितना आया था 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y = 1, y = 1/3।
तो यहाँ पे दो आंसर आ गए हमारे एक्स इक्वल वन बाई टू, वाई इक्वल वन बाई थ्री। इसके बाद आता है सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टू बाई रूट एक्स थ्री बाई रूट वाई इक्वल टू, फोर बाई रूट एक्स नाइन बाई रूट वाई इक्वल नाइन बाई रूट वाई इक्वल माइनस वन। देखो होगा क्या, जिस तरह से पहले 1 बाय एक्स को यू माना, 1 बाय वाई को वी लिया था, उसी तरह से यहाँ पे 1 बाय रूट एक्स को यू लेना है, 1 बाय रूट वाई को वी लेना है। तो 1 बाय रूट एक्स हो गया हमारा यू, 1 बाय रूट वाई हो गया हमारा वी। लेट थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 बाय रूट एक्स है, 2 बाय रूट एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो 1 बाय रूट एक्स को मैंने यू बोल दिया, तो इस तरह से हो गया 2 1 बाई रूट एक्स यू, तो 2u, क्लियर। तो यहां पे बन जाएगा 2u, ये बन जाएगा 3v और ये बन जाएगा 2u 3v इक्वल टू, इसी तरह से यहां पे आ गया 4u 9v माइनस 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समझ आ रहा है? इसके बाद देखो अब करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, यहां पे कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2, तो ये बन जाएगा 4u, ये हो जाएगा 6v, ये हो जाएगा आपका 4, इक्वेशन 3। तो बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, आप यहां पे लिख लेना बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इस मेथड को, इस क्वेश्चन को यहां तक करने के बाद किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4u माइनस 9v, 4u माइनस 9v माइनस 1, 4u प्लस 6v इक्वल 4, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 9 में 6 गया 15, माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 हो गया, माइनस 5 माइनस 15 माइनस माइनस गया कितना आ गया 1/3, क्लियर। अब इक्वल 1/3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इसको पुट करता हूं 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, देखो v आ गया ना हमारे पास। इसके बाद आप इसको 1, 2, 3 किसी में भी पुट कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं इसको कर रहा हूं 1 में पुट, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2u प्लस 3, देखो मैंने 1 में क्यों पुट किया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, समझाई, मैंने 1 में क्यों पुट किया है, अदरवाइज आप इसमें पुट करोगे वहां पे भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरे सबसे पहले नजर यही पड़ी है कि 3 से 3 सीधा कैंसिल हो रहा है, तो 2u प्लस 1 इक्वल टू 2u इक्वल टू माइनस 1, 2u इक्वल 1, तो u आ गया हमारा 1/2, क्लियर। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की, तो 1/√x आपका क्या था, u था, तो रूट एक्स यू क्या है आपका 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, यहां से 2 हो जाएगा x, 2 का रूट क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से y का भी निकाल सकते हैं v, तो y कितना आएगा आपका 1/3, स्क्वायरिंग क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट y के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, y आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास दो आंसर आ गए x इक्वल 4 y इक्वल 9, क्लियर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं ये, और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं 4 बाई एक्स 3 बाई वाई इक्वल 14, 3 बाई एक्स माइनस 4 वाई इक्वल 23। ये क्वेश्चन हमारे पास, यहां पे देखो ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में, तो अब इसको सॉल्व करेंगे बस, तो लेट कर लेते हैं 1 बाई एक्स को यू, दैट्स इट। इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है, तो 1 बाई एक्स को यू लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल 14, इक्वेशन 1, इसी तरह से 3u माइनस 4y इक्वल 23, इक्वेशन 2। अब लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4। देखो ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 है, सॉरी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 है तो 3 4 का 12 हो गया, 9 हो गया, 42 हो गया, इसको 4 से करेंगे 12,
1692 माइनस प्लस माइनस कैंसिल 25 बाय माइनस का 50 तो y इक्वल माइनस 50 बाय 25 ये आ गया y इक्वल माइनस 2। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें किसकी निकालनी है, x की। तो y इक्वल माइनस 2 मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, y इक्वल माइनस 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारी 4 प्लस 3y इक्वल 14, तो y हमारे पास माइनस का 2, 4u माइनस 6 इक्वल 14, 4u 14 प्लस 6, 4u 20, u इक्वल 20 बाय 4, कितना आ गया 5, डिवाइड करेंगे 20 को 4 से 5 आ जाएगा। अब 1 बाय x क्या था आपका, 1 बाय x था u, तो u कितना हो गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल 1, x इक्वल 1 बाय 5। सो गाइस यहां पे x का आंसर आया 1 बाय 5 और y का आंसर आया आपका माइनस 2। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ले लिए, फाइव अपॉन में एक्स माइनस वन वाई माइनस टू इक्वल टू, सिक्स अपॉन में एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन में वाई माइनस टू इक्वल वन। क्लियर, यहां पे लेते हैं लेट 1 बाय एक्स माइनस वन को यू, 1 बाय वाई माइनस टू को वी। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये 1 बाय एक्स माइनस वन है, यहां पर 1 बाय एक्स माइनस वन है, फ्रैक्शन में ना, 1 बाय वाई माइनस टू 1 बाय वाई माइनस टू, वन क्यों बोल रहा हूं ऊपर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर, तो इस 1 बाय एक्स माइनस वन को मैंने क्या बोल लिया u, तो ये मेरा बन गया 5u प्लस v इक्वल टू 6u 3v इक्वल वन, 6u 3 ये पूरा क्या हो गया v हो गया इक्वल वन। ये आ गया आपका इक्वेशन वन, ये आ गया आपकी इक्वेशन टू। इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करोगे आप, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय 6 एंड इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय 5। बात समझ आ रही है, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम यहां पे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये आ गया आपका 30u 6v इक्वल 12, ये आ गया आपका 30u 15v इक्वल 5। इसको मैंने 6 इनटू किया, 6 5 का 30 6v 6 2 का 12, 6 5 का 30 6v 6 2 का 12, इसको 5 से इनटू किया, 5 6 का 30 5 3 का 15 5 का 5 माइनस प्लस माइनस अपोजिट साइन 15 और 6 21v, 12 में से 5 का 7 v इक्वल 7 बाय 21, कितना आ गया 1 बाय 3, v आ गया आपका 1 बाय 3। v इक्वल 1 बाय 3 पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन वन है आपकी 5u प्लस v इक्वल टू, 5u प्लस v इक्वल टू, 5u v हो गया 1 बाय 3 इक्वल टू, तो यहां 1 बाय 3 करा के माइनस का हो गया, इसमें ले लेंगे एलसीएम, 2 के नीचे यहां पे कुछ नहीं है ना, 1 बाय 3 माइनस का हो गया, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, तो यहां पे मैंने क्या किया एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, 5 बाय 3 अभी वाला 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा 1 बाय 3। क्लियर, अब इसमें आओ, 1 बाय x माइनस 1 क्या था आपका u, 1 बाय x माइनस 1 क्या आपका u, तो u क्या है आपका 1 बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 इक्वल 3, x इक्वल 3 प्लस 1, x इक्वल 4, x आ गया आपका 4। अब लेते हैं y माइनस 2, 1 बाय y माइनस 2 इक्वल v, तो y माइनस 2 v कितना रहा 1 बाय 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 y इक्वल 5। क्लियर, तो इस तरह से x का आंसर आ गया 4, y का आंसर आ गया आपका 5। सो गाइस इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5, 7x माइनस 2y xy इक्वल 5, 8x सेकेंड इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं 8x प्लस 7y xy इक्वल 15। देखो इस क्वेश्चन को ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कंसीडर करेंगे, यहां पे है xy, क्लियर, तो आप क्या करोगे xy को दोनों के नीचे ले लोगे, इस तरह से ले सकते हैं ना, x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा
सेवन वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा टू एक्स, यहाँ पे क्या बचा फाइव। सिमिलर एक्स वाई को दोनों के नीचे ले लो इस तरह से, x से x किया, y से y किया, तो क्या बचा 8 अपॉन y, 7 अपॉन x, 15। बात समझ आ रही है? तो यहां पे देखो 1 by y आ गया, 1 by x आ गया, यहां पे भी 1 by y आ गया, यहां पे भी 1 by x आ गया। तो 1 by y को आप क्या u मान लेते हैं, 1 by y u हो गया, 1 by v आपका x हो गया, हो सकता है। तो ये क्या बनेगा 7u 2v equal 5, 8u 7b इक्वल 15। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, कोफिशिएंट सेम बनाओ, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन बन गया ये आपका वन पार्ट की तरह, सेम क्वेश्चन वन फर्स्ट पार्ट, क्लियर। तो यहां तक समझा दिया एलिमिनेशन मेथड आपको आगे आता है करना, तो जैसे आपने इसका भी फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही क्वेश्चन आपको ये करना है, क्लियर। तो एक्स वाई को मैंने दोनों के नीचे ले लिया। इसी तरह एक क्वेश्चन सिक्स है हमारे पास, फाइव सिक्स और वन, तीनों पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई सिक्स एक्स वाई, इसी तरह से टू एक्स फोर वाई फाइव एक्स वाई, ठीक है। अब देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों के नीचे डिवाइड में आ सकता है, इस तरह से यहां पे भी आ सकता है इस तरह से, कुछ याद आया इसको देख के। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था फिफ्थ पार्ट, इस कंडीशन में जो गिवन था मेरे पास, मैंने क्या किया एक्स वाई मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले लिया, एक्स वाई मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले लिया, क्लियर। अब क्या होगा एक्स वाई दोनों के नीचे आ जाएगा, जैसे भी किया था बिल्कुल जस्ट अभी किया था, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया सिक्स वाई वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया थ्री वाई एक्स इक्वल सिक्स। सिमिलर एक्स वाई दोनों के नीचे आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा टू बाई वाई फोर बाई एक्स इक्वल फाइव। समझ आ रही बात ये? तो यहां पे देखो क्या हुआ, वन बाय वाई, वन बाय वाई, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स। तो लेट करते हैं पहले वन बाय वाई को यू और वन बाय एक्स को वी, तो ये बन गया आपका सिक्स यू थ्री वी इक्वल सिक्स, इक्वेशन वन। तो ये बन गया आपका टू यू फोर वी इक्वल फाइव, इक्वेशन टू, क्लियर। बात समझ आई? ये बन गया आपका सिक्स यू थ्री वी इक्वल सिक्स, ये बन गया टू यू फोर वी इक्वल फाइव। अब एलिमिनेशन मेथड लगा के आपको यहां क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, करें इसको, चलो कर देते हैं, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको थ्री से डिवाइड कर लेते हैं, पहले वन टू नहीं लेते अभी, यहां पे इसको थ्री से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा टू यू प्लस वी इक्वल टू यू प्लस वी इक्वल थ्री। इसको टू से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने की यहां पर कोई नीड नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को यहां पर ना, यहां पर मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है कि टू यू देखो सेम हो गया। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड ये होगा ही नहीं, बताते हैं क्यों। सिक्स यू थ्री बी इक्वल सिक्स, टू यू प्लस फोर बी इक्वल फाइव, ठीक है, डिवाइड तो होगा ही नहीं है, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। तो इक्वेशन टू को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्स यू थ्री बी इक्वल सिक्स, इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो ये बन गया आपका सिक्स यू ट्वेल्व बी फिफ्टीन, क्लियर। फ्रॉम फ्रॉम वन एंड थ्री, तो वन है हमारे पास सिक्स यू प्लस थ्री बी इक्वल सिक्स, थ्री है हमारे पास सिक्स यू प्लस ट्वेल्व बी इक्वल फिफ्टीन, माइनस 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 कैंसिल हो गया नाइन बी, इधर आ गया माइनस का नाइन, माइनस नाइन बाई माइनस नाइन वन, बी इक्वल वन पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन है हमारी सिक्स यू प्लस थ्री बी, सिक्स यू प्लस थ्री बी इक्वल सिक्स, तो वी हमारे पास वन, तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, सिक्स यू आ गया आपका थ्री यू आ गया आपका थ्री बाई सिक्स वन बाई टू। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की, क्लियर, वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो हमने क्या लिया था, वन बाय वाई को यू लिया था, वन बाय वाई को क्या लिया था यू,
तो u हमारे पास कितना आया 1 बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे 1 बाई एक्स को u लिया था, u कितना आया हमारा, सॉरी 1 बाई एक्स को आपने v लिया था, तो v कितना आया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल 1। क्लियर, तो ये था हमारा 6th पार्ट। इसके बाद आते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट है हमारे पास टेन अपॉन में एक्स प्लस वाई, टू अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल 4, और यहां पे 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई, फाइव अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस 2। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप मानोगे यू, 1 बाई एक्स माइनस वाई को मानेंगे वी। क्लियर, दोनों मेरे को सेम कंडीशन है ना, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई यू हो गया, तो क्या बन गया 10u 2v इक्वल 4। क्लियर, तो यहां पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर दें इसको, चलो देखते हैं, 10u 2v इक्वल 4, ये बन गया 10u, ये बन गया 2v, ये हो गया 4, ठीक है, ये बन गया आपका 15u 5v माइनस 2। क्लियर, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 15 से इंटू कर देते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर, तो इसको 15 से इंटू करेंगे, क्या आएगा 150 यू 30 वी, और यहां पे आ गया आपका 60, ये आ गया आपका 150 यू 50 वी माइनस 20, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 30 और 50 कितना हो गया 80, ये भी हो गया आपका 80, v इक्वल 80 बाय 80, 80 को 80 से काट दिया, कितना आ गया v की वैल्यू 1, तो v आ गया आपका 1, और v इक्वल 1 पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन बन गया 10u प्लस 2v इक्वल 4, 10u प्लस 2v इक्वल 4, तो यहां पे v की वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस 2 इक्वल 4, ये आ गया आपका 4 माइनस 2, 10 यू हो गया आपका 2, यू हो गया आपका 2 बाय 10, क्या आ गया 1 बाय 5। क्लियर, 10 यू प्लस 2 बी इक्वल 4, बी की वैल्यू 1 पुट कर दी यहां पे हमने, यू भी आ गया हमारे पास। अब इसमें आते हैं 1 बाय एक्स प्लस वाई क्या है, यू, 1 बाय एक्स प्लस वाई आपका क्या है, यू, तो यू आपका कितना था 1 बाय 5। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल 5, देखो एक और इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 3, ठीक है। अब 1 बाय एक्स माइनस वाई क्या आपका v, 1 बाय एक्स माइनस वाई क्या v, तो v क्या आपका 1, तो 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल 1, इक्वेशन 4। अब ये 3 आ गई, ये 4 आ गई, दोबारा इसको 3 और 4 को सोल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से, तो ये है आपका x प्लस वाई इक्वल 5, x माइनस वाई इक्वल 1, प्लस माइनस कैंसिल, x x 2x, 5 और 1 6, x इक्वल 6 बाय 2, कितना आ गया 3, ठीक है, तो x इक्वल 3 आ गया। अब x इक्वल 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x इक्वल 3 पुट इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या आपकी x माइनस वाई इक्वल 1, x वैल्यू 3 आ गई, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस किया वाई इक्वल 2, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया इसका x इक्वल 3 और y इक्वल 2। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, आपने वीडियो को पॉज करके साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 1 बाय 3x प्लस y, 1 बाय 3x माइनस y इक्वल 3 बाय 4, 1 बाय 2 3x प्लस y, 2 3x माइनस y इक्वल माइनस 1 बाय 8, ये है इसका 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहां पे भी देखो सेम है, 1 बाय 3x प्लस y को आप u लोगे और 1 बाय 3x माइनस y को v लोगे। क्लियर, तो 1 बाय 3x प्लस y क्या है u, ये क्या आपका v, तो u प्लस v क्या आपका 3 बाय 4। क्लियर, समझ आ गया, तो इसको मैं क्या करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये 4u हो जाएगा, 4v हो गया, और यहां पे क्या आ गया 3, इक्वेशन 1।
इसी तरह से 1 बाई थ्री एक्स प्लस वाई यू हो गया, 2 नीचे दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा u बाई टू, ये हो जाएगा आपका v बाई टू और ये आ जाएगा माइनस का 1 बाई एट। क्लियर, एलसीएम ले लेते हैं 2 u माइनस v माइनस 1 बाई एट, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में कट जाएगा। किस तरह से 2 वन दा 2, 2 फोर दा 8, इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 4u माइनस 4v क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहां पे, आप इस तरह से लिख लो अगर नहीं समझ आता तो, कि 4u माइनस 4v इक्वल माइनस 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन मैंने आपके पास 4u प्लस 4v इक्वल 3, 4u माइनस 4v इक्वल माइनस 1, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं यहां पे, लिखना पड़ेगा आपको बाय एलिमिनेशन मेथड, प्लस माइनस कैंसिल, 8u 3 में से बन गया 2, u इक्वल 2 बाय 8, कितना आ गया 1 बाय 4। क्लियर, अब u इक्वल 1 बाय 4 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या हमारी 4u प्लस 4v इक्वल 3, 4u प्लस 4v इक्वल 3, तो 4u प्लस 4v आ गया, u आपका 1 बाय 4 है तो u की जगह आ गया 1 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 बचा, 3, 4v इक्वल 3 माइनस 1, 4v इक्वल 2, v इक्वल 2 बाय 4, v इक्वल 1 बाय 2, तो हमारे पास u भी 1 बाय 4 आ गया, v भी 1 बाय 2 आ गया। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, यहां पे x y की वैल्यू निकालनी है ना आपको, देखो 1 बाय 3x प्लस y था, 1 बाय 3x प्लस y को आपने u लिया था, तो u आपका आया 1 बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। इसी तरह से आपने 1 बाय 3x माइनस y को v लिया था तो v आया था आपका 1 बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस y इक्वल टू इक्वेशन 4। क्लियर, अब 3 और 4 को सॉल्व करना है, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, पहले uv की वैल्यू निकाल के जिसको आपने uv लेट किया था वहां पे आपने पुट कर देनी है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 आपकी 3x प्लस y इक्वल 4, 3x माइनस y इक्वल 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3x 3x 6x, 5 और 2 7, x इक्वल 7 बाय 6। क्लियर, x इक्वल 7 बाय 6। गाइस यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, यहां पे 4 था आपका ये, क्लियर, 3x प्लस y इक्वल 4, 3x माइनस y इक्वल 2, y से y कैंसिल हो गया आपका 6x, तो यहां पे 4 और 2 आपका 6 आना था, 6 बाय 6 कितना आ गया ये 1। क्लियर, तो x इक्वल 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, x इक्वल 1 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास 3x प्लस y इक्वल 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो ये बन गया 3 प्लस y इक्वल 4, y इक्वल 4 माइनस 3, y इक्वल 1। सो गाइस x इक्वल 1 आ गया, y इक्वल 1 आ गया। तो आज की वीडियो में हमने इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना, कैसे उसको पहले सिंपल इक्वेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशंस में बनाया, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के थ्रू x y की वैल्यू निकाली। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कवर किए हैं, 1 to 8, तो बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।